सभी योग प्रेमी बहनों और भाइयों, आज 21 जून है और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह चौथा योग दिवस है। जिस प्रकार यहां आप तो योग दिवस मना रहे हैं, उसी प्रकार दुनिया के अनेकों देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है और विश्व के पटल पर योग भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक के रूप में उभरा है। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात राज्य सरकार और पतंजलि योग विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। आप सब अब यहां पर सामूहिक योग निदर्शन देखेंगे। भारत की ज्ञान परंपरा में योग का अद्भुत योगदान है। योग शरीर को, मन को, जीवन को साधने का साधन है। जीवात्मा और परमात्मा के योग और मिलन का साधन भी योग है। हमारे यहाँ कामना की गई है, जीवेम शरदः शतम्, मनुष्य की आयु 100 वर्ष और उससे भी अधिक हो और वह स्वस्थ जीवन जिए। इस मंत्र को सार्थक करने में भी योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी योग का महत्वपूर्ण स्थान है और आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, उस दौर में योग की चिकित्सा पद्धति के रूप में जो क्षमताएं हैं, उनको भी मान्यता मिल रही है। एक सूत्र है, समत्वम योग उच्यते, जिसका अर्थ है शरीर और मन को और आत्मा को, और आत्मा और परमात्मा को, इनको जोड़ने वाली विद्या का नाम ही योग है। गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम्, हमारे कर्मों में कुशलता लाने वाला तत्व भी योग है। योग के कारण जब मन संतुलित होता है तो मनुष्य जो कर्म करता है वो कर्म भी कुशल कर्म होते हैं। ज्यो-ज्यो आधुनिक जीवन शैली मनुष्य के जीवन में तनावों को और अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती जाएगी, त्यों-त्यों विश्व में योग को और भी मान्यता प्राप्त होती रहेगी। सुखी और स्वस्थ जीवन जीने का यह अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है। विश्व में योग बराबर लोकप्रिय होता जा रहा है। हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को एक बार विश्व में पुनः मान्यता मिली है, इसके लिए हम श्री नरेंद्र भाई अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे राज्यपाल श्री के इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। योगना समग्र विश्व में मान्यता पावनार देशना वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी विश्व योग दिवस 2018 ना अवसरे देहरादून खाते योजनार समारोह में उपस्थित है, त्यांथी तेओ संबोधन करशे। ए संबोधन आपणे निहाळीशुं, पण ए दरमियान महानुभावोने विनंती छे के आप विश्व योग दिवस 2018 ना आ अवसरे योग विजेताओनुं सम्मान करशो। सर्वप्रथम राठौड़ मित, जे स्कूल गेम राष्ट्र कक्षा में द्वितीय क्रमे अने जिला कक्षा खेल महाकुंभ में प्रथम क्रमे विजेता बनेला छे, जेमने आजे सम्मानित करवामां आवशे मंच उपरथी महानुभाव द्वारा। विनंती करिए माननीय राज्यपाल श्री ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री ने, तेवो सौ विजेताओने सम्मानित करशे। आपणे सौ जोरदार तालियों साथे तेवोने अभिवादन आपीशुं, अभिनंदन आपीशुं। એ પછીના ક્રમે સન્માન કરીશું વીર પરા માનસી, કે જેણે મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગાસન ટુર્નામેન્ટમાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે। વીર પરા માનસી, ત્યારબાદ
પંચાલ સમૃદ્ધિ જેવો પણ મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગા સન ટુર્નામેન્ટમાં પ્રથમ ક્રમે અને જિલ્લા કક્ષા ખેલ મહાકુંભમાં પણ પ્રથમ ક્રમે આવેલા છે પંચાલ સમૃદ્ધિ. Give a very big hand to her, Panchal Samruti, Malaysia International Yoga Sun Tournament Ma, first, and Jilla Kaksha Khel Mahakumbh Ma Pan, Pratham Krame. Ebashini Krame, Panchal Anal. Panchal Anale, Malaysia International Yoga Sun Tournament Ma, Triju Sthan Melvushe, and Jilla Kakshana Khel Mahakumbh Ma, Pratham Sthan Melvushe. પંચાલ આનંદનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. આપણે આ એવા યોગ નિષ્ણાંત બાળકો છે કે જેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાતનું નામ ઉજાગર કર્યું છે. આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમની આ પુરુષાર્થને એમની સિદ્ધિઓને બિરદાવીએ, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આમાંથી જ મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતનું નામ રોશન કરનાર યોગાચાર્યો અને વિશ્વભરમાં આ યોગને પ્રસિદ્ધ તેઓ કરે. શર્મા ધ્રુવિલ, મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગા સન ટુર્નામેન્ટ ફર્સ્ટ, પ્રથમ ક્રમે આવેલ આ નાનકડો બાળક, જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એના માટે. શર્મા ધ્રુવિલ અને જિલ્લા કક્ષા ખેલ મહાકુંભમાં પણ પ્રથમ ક્રમે. આપ જોઈ રહ્યા છો, સાવ નાની ઉંમરનો આ બાળક છે, એને બિરદાવો એ આપણી સામાજિક જવાબદારી અને દાયિત્વ પણ છે મિત્રો. એ પછીના ક્રમે પ્રજાપતિ ફોરમ મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગાસન ટુર્નામેન્ટમાં એણે તૃતીય સ્થાન મેળવ્યું છે. પ્રજાપતિ ફોરમ પવાર ખુશી મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગા સન ટુર્નામેન્ટમાં દ્વિતીય, સેકન્ડ રેન્ક પર પવાર ખુશી. એ પછીના ક્રમે મકવાણા જિગ્નેશ, મકવાણા જિગ્નેશે મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગાસન ટુર્નામેન્ટમાં ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું છે અને મલેશિયા ઇન્ટરનેશનલ યોગાસન ટુર્નામેન્ટમાં એણે ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું એ માટે આ એનું સિદ્ધિ થઈ રહી છે અને સન્માન થઈ રહ્યું છે. After that, we'll invite Patel Jinal, Malaysia International Yoga Sun Tournament Ma Dvitiya, and Jilla Kaksha Khel Mahakumbh Ma Pratham Krame, Patel Jinal. પછીના ક્રમે સોની સ્મિથ નેશનલ સ્કૂલ ગેમમાં તેણે પાર્ટિસિપેટ કર્યું અને જિલ્લા કક્ષાના ખેલ મહાકુંભમાં તેણે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર સૌ મહાનુભાવોનો. મિત્રો, આપણી વચ્ચે ખૂબ જ જાણીતા અને તમારા સૌના પ્રિય એવા ક્રિકેટ પ્લેયર પાર્થિવ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. વી વેલકમ યુ પાર્થિવ પટેલ. યોગ હજારો વર્ષથી પ્રચલિત છે. ઋગ્વેદમાં છાંદોગ્ય ઉપનિષદ બૃહદ અરણ્યકમાં પણ એનો ઉલ્લેખ છે. મહર્ષિ પતંજલિને યોગના પિતા તરીકે માનવામાં આવે છે અને પતંજલિ યોગ સૂત્રમાં 155 જેટલા સૂત્ર પણ આપણે જોયા છે અને એનો અભ્યાસ પણ કર્યો છે. યોગ સાચી રીતે જીવન જીવવાનું વિજ્ઞાન છે અને તેથી જ એને દૈનિક જીવનમાં સામેલ કરવા માટેનું એક નિદર્શન હંમેશા આપણે ત્યાં થતું રહ્યું છે. અહીં ઉપસ્થિત પાર્થિવની સાથે સાથે આપણી વચ્ચે વર્લ્ડ કબડ્ડી પ્લેયર કિરણ પરમાર પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને ભક્તિ પરમાની ટેનિસ પ્લેયર. વી વેલકમ ધેમ. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. અને હવે આપણે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી દેહરાદૂનથી જે સંબોધન કરી રહ્યા છે એને દૂરદર્શનના માધ્યમથી અહીં લાઈવ નિહાળીશું. ઇસ આસન મે શરીર કી સ્થિતિ ઉર્ધ્વમુખી મેંઢક જે सभी साथियों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की इस पावन धरती से दुनिया भर के योग प्रेमियों को चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं.
मां गंगा की इस पवित्र भूमि पर जहां चार धाम स्थित है, जहां आदि शंकराचार्य के चरण रट पड़े हैं, जिस धरती ने स्वामी विवेकानंद जी को बार बार आकर्षित किया, वहां योग दिवस पर हम सभी का इस तरह एकत्रित होना मैं समझता हूं किसी सौभाग्य से कम नहीं है। उत्तराखंड तो वैसे भी अनेक दशकों से योग का मुख्य केंद्र रहा है। यहां के ये पर्वत स्वतः ही योग और आयुर्वेद के लिए प्रेरित करते हैं। सामान्य से सामान्य नागरिक भी जब इस धरती पर आता है तो उसे एक अलग तरह की एक दिव्य अनुभूति होती है। इस पावन धरा में अद्भुत स्फूर्ति है, स्पंदन है, सम्मोहन है। साथियों, ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि आज जहां जहां उगते सूरज के साथ जैसे जैसे सूरज अपनी यात्रा करेगा, सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, प्रकाश का विस्तार हो रहा है, दुनिया के हर उस भूभाग में वहां लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। देहरादून से लेकर के डबलिन तक, संगाई से लेकर के शिकागो तक, जकार्ता से लेकर के जोहानिसबर्ग तक योग ही योग, योग ही योग है। हिमालय के हजारों फीट ऊंचे पर्वत हो या फिर धूप से तपता रेगिस्तान हो, योग हर परिस्थिति में हर जीवन को समृद्ध कर रहा है। जब तोड़ने वाली ताकतें हावी होती हैं तो बिखराव आता है, व्यक्तियों के, समाज के बीच, राष्ट्रों के बीच बिखराव आता है, समाज में दीवारें खड़ी होती हैं, परिवार में कलह बढ़ता है और यहां तक कि व्यक्ति खुद ही अंदर से टूटता, टुकड़ों में बिखरता और जीवन में तनाव बढ़ता चला जाता है। इस बिखराव के बीच योग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। आज की आपाधापी और तेज भागती जिंदगी में योग मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है। व्यक्ति को परिवार से जोड़कर परिवार में खुशहाली बढ़ाता है, परिवार को समाज के प्रति संवेदनशील कर समाज में सद्भाव बढ़ाता है, समाज राष्ट्र की एकता के सूत्र बनते हैं और ऐसे राष्ट्र विश्व में शांति और सौहार्द लाते हैं। मानवता बंधुभाव से पल्लवित और पोषित होती है, यानी योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। जब यूनाइटेड नेशंस में योग के लिए प्रस्ताव रखा और ये यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड है, ये पहला ऐसा प्रस्ताव था
जिसको दुनिया के सर्वाधिक देशों ने को-स्पॉन्सर किया। ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जो यूएन के इतिहास में सबसे कम समय में स्वीकृत हुआ और ये योग आज विश्व का हर नागरिक, विश्व का हर देश योग को अपना मानने लगा है। और हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम उस महान विरासत के धनी हैं, हम उन महान परंपरा की विरासत को संजोए हुए हैं। अगर हम अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करें, जो काल बाह्य है उसे छोड़ दें, और वो टिकता भी नहीं है, लेकिन जो समय के अनुकूल है, जो भविष्य के निर्माण में उपकारक है, ऐसी हमारी महान विरासत को अगर हम गर्व करेंगे तो दुनिया गर्व करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं अनुभवेगी। लेकिन अगर हमें ही हमारी शक्ति सामर्थ्य के प्रति भरोसा नहीं होगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर परिवार में परिवार ही बच्चे को हमेशा नकारता रहे और अपेक्षा करें कि मोहल्ले वाले बच्चे को सम्मान करें तो संभव नहीं होता है। जब मां बाप परिवार भाई बहन बच्चे को जैसा भी हो स्वीकार करते हैं तब जाकर के मोहल्ले के लोग भी स्वीकार करना शुरू करते हैं। आज योग ने सिद्ध कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने फिर से एक बार योग के सामर्थ्य के साथ अपने आप को जोड़ दिया, दुनिया अपने आप जुड़ने लग गई। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आज पूरी दुनिया में योग करने वालों के आंकड़े जुटाए जाएं, तो हो सकता है एक अद्भुत तथ्य विश्व के सामने उभर करके आएगा। अलग अलग देशों में, पार्कों में, खुले मैदानों में, सड़कों के किनारे पर, दफ्तरों में, घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐतिहासिक विरासत के सानिध्य में योग के लिए सामान्य से सामान्य लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। विश्व बंधुत्व के भाव और ग्लोबल फ्रेंडशिप को आज योग एक नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, द वर्ल्ड हैज एम्ब्रेस योगा एंड ग्लिम्सेस ऑफ दिस कैन बी सीन इन द मैनर इन विच International Day of Yoga has been marked every year. In fact, Yoga Day has become one of the biggest mass movements in the quest for good health and well-being. Friends, from Tokyo to Toronto, from Stockholm to Sao Paulo, yoga has become a positive influence in the lives of millions. Yoga is beautiful because it is ancient, yet it is modern. It is constant, yet it is evolving. It has the best of our past and present, a ray of hope for our future. In yoga, we have the perfect solution to the problems we face, either as individuals or in our society. Ours is a world that never sleeps. At every given point, there is something happening in a different part of the world. A fast-paced existence brings with it a lot of stress.
I was shocked to read that every year almost 18 million people all over the world die due to heart-related disease. About 1.6 million people lose the fight against diabetes. The way to lead a calm, creative, and content life is yoga. It can show the way in defeating tensions and mindless anxiety. Instead of dividing yoga, yoga always unites. Instead of further animosity, yoga assimilates. Instead of increased suffering, yoga heals. Practicing yoga has the ability to bring an era of peace, happiness, and brotherhood. More people practicing yoga means the world needs more people to teach it. Over the last 3 years, many individuals are teaching yoga. New institutions are being set up, and even technology is connecting people to yoga. I urge you all to build on this momentum in the times to come. May this yoga day become an opportunity to deepen our connect with yoga and motivate people around us to practice it. This can be the enduring impact of this day. Sathya yoga ne duniya ko illness se wellness ka rasta dikhaya hai. यही वजह है कि दुनिया भर में योग की स्वीकार्यता इतनी तेजी से बढ़ रही है. यदि हम आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अनेक रोगों से अपना बचाव भी कर सकते हैं. नियमित योग का सीधा प्रभाव किसी भी परिवार के मेडिकल खर्चों को भी कम करता है. राष्ट्र निर्माण की हर प्रक्रिया से, हर एक्टिविटी से जुड़ने के लिए हम सभी का स्वस्थ रहना आवश्यक है. और निश्चित तौर पर इसमें योग की भी बहुत बड़ी भूमिका है. और इसलिए आज के दिन मेरा आप सबसे आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है, विश्व के योगा प्रेमियों से आग्रह है कि जो लोग योग के साथ जुड़े हैं वे नियमितता लाएं, और जो अब भी योग से नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ने का प्रयास जरूर करें. साथियों, योग के बढ़ते प्रसार ने विश्व को भारत की ओर, भारत को विश्व के ज्यादा निकट ला दिया है. हम सभी के निरंतर प्रयासों से आज योग को दुनिया में जो स्थान मिला है वो समय के साथ और ताकतवर होने वाला है और मजबूत होने वाला है. स्वस्थ और खुशहाल मानवता के लिए योग के बारे में समाज को और अधिक विकसित बनाना हमारी जिम्मेदारी है. आइए अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने प्रयास को हम तेज करें. एक बार फिर मैं इस देव भूमि से दुनिया भर के योग प्रेमियों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं.
उत्तराखंड की सरकार का भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस महान कार्यक्रम की योजना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, आओ सब मिलकर योग दिवस मनाते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। विश्व को इसी संदेश के साथ के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व योग दिवस पर जगमगाता है। व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वसाधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं और ये पूरा विश्व आज मान चुका है। अनहवे तमाम जे ग्राउंड पर बैठा छे एमने विनती छे के हवे योग निदर्शन नो कार्यक्रम आपने आरंभ करवा जई रह्या छीए। मंच पर ना महानुभाव पण एमने स्थान ग्रहण कर्युं छे। दरेक जे ग्राउंड पर बैठा छे एमने विनती करिए के आप अपना स्थान पर उभा थशो पछी थी आपणे आखा जे योगना निदर्शन नो जे कार्यक्रम छे एनो आरंभ करीशुं। बिल्कुल, जेनी शुरुआत छे बधा एक साथे उभा थईने जी एनी आपणे शुरुआत करीए छे। सुसुहासती हमारे मन विचार अंतःकरण समान हो। सामने बेसी जगह विनती छे, आप सब बेसी जशो। आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर ही बैठे रहें। आइए इस मंगल कामना के साथ हम सब योग के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर योग का लाइव प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इन्हें या एलईडी स्क्रीन को देखकर योगासन करें। आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालनी क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना, सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें, सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास। वापस आगे लाएं, गर्दन को तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं, कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो, सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं, सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं, सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं, दाहिनी और बाईं ओर घुमाएं, सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए, सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं, सांस छोड़ें तथा सिर को दाईं तरफ घुमाएं, सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं, गर्दन को घुमाना, सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें, सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं, सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें, सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं, गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पंडिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन, दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों, पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें, भुजाओं को बगल में रखें, श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं, हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं,
जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं, तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंध क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पैरों को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिने तरफ इतना घुमाएं कि बाएं हथेली दाहिने कंधे का स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाएं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिने हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम न करें। खड़े मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर ले। अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं। सांस छोड़ें, घुटने मोड़े तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों के जकड़ों को खोलें, हाथों को धड़ के सामान के नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूल आधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड्स तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है
आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास दाएं पैर से भी करें। दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचे। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुके। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा नरी तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। यह सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आए तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षतिज न हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिने तरफ झुके और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। यह समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाई तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन न करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हूं। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांव को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठे। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये बंद आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास न करें। वज्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें।
सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हो, कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें, श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं, शिथिल हो जाएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं, शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें, सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचे, आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें, सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें, सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडुकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं, अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं, श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं, सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें, अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आए। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आए। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिने टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें।
बाएं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें, शरीर तथा गर्दन को दाहिने तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपने सर पीछे घुमाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हो तथा पैर बाहर की ओर हो। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें। आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पेट के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हों। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें, अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचे। अपने टांगे फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हो। सांस भीतर लें। अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सके। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कुल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आए। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पेट के बल लेटकर की जाने वाली मुद्रा की ओर। सेतु बंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें। धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें।
पेट के बल जीत जाए। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियां वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग न करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है, इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभि मणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्धहलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है, इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं, तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्धहलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़े तथा जांघों को छाती के पास लाएं, उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंगलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़े से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें, अपनी टांगों को सीधा फैलाएं, आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास न करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हो, आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों, इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। Thank you.
सब है। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान के किसी भी मुद्रा में बैठ जाए, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना घुमाएं। सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। सांस लेनी चाहिए। अब दो चक्र और करें। समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइमाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास न करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। पांच चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है, ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम, शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन,
अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे ध्वनि की भुनभुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान तैयार हूं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठे अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपने दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। यह सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहे।
स्वस्थ शांति प्रिय आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख समृद्धि एवं शांति में स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योग में व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। बिल्कुल चौथा आंतरराष्ट्रीय विश्व योग दिवस भव्य उजवणी सौ साथे मळीने करी सरदार पटेल स्टेडियम मां हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करीए छे माननीय राज्यपाल श्री ओपी कोहलीजी नो साथे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजयभाई रूपाणी जी केंद्रीय मंत्री श्री पीपी चौधरी सर माननीय मेयर अहमदाबाद श्रीमती बीजलबेन पटेल तथा उपस्थित सौ आमंत्रित मेहमानों आदरणीय महानुभावों हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करीए छे। અહીં ઉપસ્થિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ વરિષ્ઠ પદાધિકારીઓ યોગના શિક્ષકો નગરજનો વિદ્યાર્થીઓ ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા અને પ્રિન્ટ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા આ તમામનો આભાર માને છે। એક અર્થમાં આ એક વિરાટ આયોજન હતું અને વિરાટ આયોજન સાથે જે કોઈ જોડાયા એ નામી અનામી તમામનો આભાર માનીએ છીએ। આ કાર્યક્રમમાં દેશ વિદેશમાં અહીંયા જે મુજવાયો એ જ રીતે આજે અહીંયા પણ આપણે સંમેલિત થયા નિયમિત રીતે ડે ટુ ડે ના જીવનમાં આપણે યોગમાં સાથે જોડાતા જઈશું એ જ ભાવના સાથે હું તુષાર જોશી અને હું દિવ્યા ઠક્કર આપ સર્વેનો આભાર માનીએ છીએ। મિત્રો ફરીથી આપણે એક સંકલ્પબદ્ધ અહીંયા બનીએ કે 24 કલાકમાંથી થોડો સમય પણ આપણે જો યોગ માટે ધ્યાન કે પ્રાણાયામ માટે આપી શકીશું તો એ સંકલ્પ સરવાળે વ્યક્તિગત અને સામૂહિક રીતે આપણને ઉપયોગી થશે। બિલકુલ આ સમગ્ર આયોજનમાં પતંજલિ વિદ્યાપીઠ પતંજલિ યોગ સમિતિ અને એના કાર્યકરો એમણે ખૂબ જ રસ લઈ અને આખી જાગૃતિ ઊભી કરવાનું કામ સમગ્ર ભારતમાં કર્યું એમ અહીંયા પણ કર્યું। પતંજલિ યોગ વિદ્યાપીઠ અને યોગ સમિતિ ઠીક ઠેકાણે અનેક જગ્યાએ શિબિરો પણ થઈ એટલે હું જરૂર કહી શકીએ કે ભારત કો વિશ્વ ગુરુ બનાતે હૈ આઓ સબ મિલકર યોગ દિવસ મનાતે હૈ। યોગ દિવસની પર એકવાર હાર્દિક શુભકામનાઓ અને આવી રીતે જ ફક્ત એક જ દિવસને પણ રોજે રોજ આપણે યોગ કરતા રહીએ સ્વસ્થ રહીએ સુખી રહીએ એ જ શુભકામના સાથે યોગ સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ
અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર વહીવટીતંત્ર અમદાવાદના મહાનગરપાલિકાનો વિભાગ આ તમામ આયોજકો આપ સર્વેનો આભાર માને છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.